नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है, और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो, आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए, काफी प्रगति भी हुई। उन मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा भी होगी, लेकिन भारत जैसे देश में, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया। यही नहीं, इंग्लैंड में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में महिलाओं को अधिकार बाद में मिला, भारत से बाद में मिला है। भले वहां लोकतंत्र पहले रहा हो, तो भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराता है, जिसमें हमेशा से, आज से नहीं, वैदिक काल में आप देखें, वैदिक ऋषियों के साथ साथ वैदिक ऋचाओं को रचने वाली उन ब्रह्मवादिनी ऋषि पुत्री या ऋषि पत्नियों के बारे में हम सब अक्सर चर्चा सुनते हैं, जिन्होंने वेदों के अनेक ऋचाएं रची, अनेक सूक्तों की रचना की। भारत आज जिस वैवाहिक परंपरा को अपनाता है, उसका जो विवाह सूक्त है, वह सूर्या सावित्री नाम की एक विदुषी महिला के द्वारा रची गई है। आप याद करिए, उसके बगैर भारत की वैवाहिक परंपरा बिना उन सूक्तों के गायन से आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर हम देखते हैं, चाहे वह ब्रह्मवादिनी घोषा हो, लोपामुद्रा हो, विश्ववारा हो, अपाला हो, या फिर अनेक उन ब्रह्मवादिनी और वेदों की अनेक रचनाओं को रचने वाली वे सभी महिलाएं, जिन्होंने इस देश को एक दिशा दी, एक नया संस्कार दिया, एक नई गति दी। यही नहीं, शकुंतला के बारे में, अनुसुईया के बारे में, माता अनुसुईया के बारे में, दमयंती के बारे में, सती सावित्री के बारे में, गार्गी, मैत्री, अनुसुईया, अहिल्या, सीता, द्रौपदी, रुक्मणी, यानी अनेक ऐसी परंपराएं हमें वैदिक रामायण और उसके उपरांत के
कालखंड में भी देखने सुनने को मिलती है, जिन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से समाज को एक नई दिशा दी थी और आजादी की लड़ाई में भी हम बहुत पीछे न भी जाएं, अगर हम केवल 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का हर वासी इस बात पर गौरव की अनुभूति करता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने उस कालखंड में उद्घोष किया था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, और उसके लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अनेक ऐसे उदाहरण है उनके साथ जो अन्य अनेक वीरांगनाएं इस युद्ध में लड़ी थी, प्रथम स्वातंत्र समर का नेतृत्व की थी, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज जब हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर, इस सदन में चर्चा होगी और सभी बहनें अपनी अपनी बातों को यहां पर रखेंगी, इस संबंध में कुछ चीजें हैं जो सरकार ने अपने स्तर पर कदम बढ़ाए हैं। मैंने एक पत्रक भी दोनों माननीय सदन के सभी माननीय महिला सदस्यों को पास भेजा है, मिशन शक्ति के रूप में एक जो नया कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं और इस कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है, इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के और बेटी के विवाह होने तक, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं जिसको हमने काफी सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसमें पोषण मिशन के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों को जोड़ना, अगर गांव में कोटे का विवाद होता है तो अनावश्यक इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ही वहां का राशन कोटा का संचालन करने का अधिकार दे देना, बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी, बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी में एक मैं प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एक महिला गांव के बैंक के लेन देन के पूरे कार्य को संचालित करेगी और 33,000 से अधिक बहनें इस कार्य के साथ जुटी हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सुल्तानपुर की तो एक बहन ऐसी है जो इसमें 3 लाख रुपए सालाना कमा भी रही है, स्वयं का इनकम कर रही है 3 लाख रुपए सालाना, महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे सामने, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, मैं बताना चाहता हूं, वह है बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का, झांसी के अंदर बुंदेलखंड में ये मिल्क प्रोड्यूसर, इसमें 2019 में हमने इसे प्रारंभ किया था बुंदेलखंड में, मैं झांसी में मुझे स्वयं जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और गांव की सामान्य महिलाएं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आया हो, लेकिन गांव की सामान्य महिलाओं ने जब अपनी क्षमता का परिचय दिया,
आज इनकी संख्या है 41,000। इन्होंने गांव जोड़े हैं 795 जो दुग्ध उपार्जन करते हैं, दुग्ध समितियां गांव गांव में गाय या भैंस का दूध कलेक्ट करते हैं, प्रतिदिन कलेक्ट करते हैं 135,000 लीटर दूध, और इनका जो वार्षिक टर्नओवर है वह है लगभग 149 करोड़, और इनका जो नेट प्रॉफिट होता है वह है 13.5 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट भी होता है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए गए कदम का एक उदाहरण है। ऐसे ही राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति के अंतर्गत हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना, हर ग्राम पंचायत के लिए महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती 2017 के बाद जब नई सरकार बनी थी 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जो देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है, इस पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, अधिकारी और महिला कांस्टेबल सबको लेकर के, आज इनकी संख्या 35,000 से अधिक है। अतिरिक्त महिला पुलिस कार्मिकों की भर्ती की कार्रवाई को इस दौरान राज्य सरकार ने एक अभियान चला करके उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया, और उन्हें महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में हर ग्राम पंचायत के लिए भी तैनात किया, जहां पर यह कार्य कुछ जगह प्रारंभ हो चुका है, कुछ जगह हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र हर एक जनपद में अलग से व्यवस्था बनाई गई है, कहीं पुलिस थाने महिला पुलिस थाना जो स्पेशली केवल महिला संबंधी अभियान और उन्हें परामर्श देने के लिए गठित किया गया, और कुछ जगह पुलिस चौकियों को अतिरिक्त व्यवस्था भी इसके साथ दिया गया है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए हैं परिणाम है इसका, और ये चीजें हमें दिखाती हैं किसके परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं, जिसमें प्रदेश के अंदर अभी जो हर थाने में प्रदेश के अंदर 1537 पुलिस सिविल पुलिस के थाने हैं, शेष अन्य में लाकर के कुल 1584 थाने हैं, जिसमें जीआरपी के भी थाने आते हैं। इन सभी में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है। प्रदेश के अंदर सरकार ने आने के तत्काल बाद 3195 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, एंटी रोमियो स्क्वाड जिसके द्वारा 6,75,143 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 28,33,893 ऐसे लोगों को चेकिंग की गई जिन पर किसी प्रकार का कोई संदेह था, और उसमें आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 10,417 महिला बीट अधिकारियों के लिए ऐसे बीट बनाए गए जहां पर केवल महिला कार्मिक ही इन सबको संचालित करती है, और प्रदेश के अंदर परिणाम साफ है कि महिला और बाल अपराधों में प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप 32 मामलों में जो महिला संबंधी अपराध या पास्को से संबंधित अपराध थे, इन सब में 32 अपराधियों को मौत की सजा दिलाई गई, 10 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले 1,191 हैं, अर्थदंड पाने वाले 1,431 हैं, आजीवन कारावास की सजा इस दौरान बेहतर प्रोसिक्यूशन के माध्यम से जिन्हें उपलब्ध कर जिन्हें दिलाया गया 1,323 है, और 10 वर्ष से कम सजा पाने वाले 3,420 ये भी इसमें किया गया। महिला अपराध में 4,000
751 अपराधियों को जिलावदर, और ये सभी कार्रवाई इसमें की गई। और एनसीआरबी के जो डाटा है उसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो विगत 5